दोस्तों अभी हम सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और बीटीएससी जेई के केस स्टेटस हम आपको चेक करके बता रहे हैं जो न्यू हेयरिंग कब है, क्योंकि मार्च के बाद लंबा समय दे दिया गया था हेयरिंग का। तो चलिए, अभी छुट्टी भी समाप्त होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के, 7 जुलाई को कोर्ट ओपन हो रही है, तो न्यू हेयरिंग डेट कब है बीटीएससी जेई का, चलिए हम चेक करके आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग बार बार कॉल और मैसेज कर रहे हैं, 12 बजे दिन में लाइव आते हैं तो उसमें भी मैसेज करते हैं और नाइट में भी मैसेज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे डायरी नंबर से हम निकालेंगे, डायरी नंबर 8824 है, कितना है 8824, केस 2023 का ही है, तो चलिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे 2023 और यहाँ पे कैप्चा इंटर करेंगे और उसके बाद नीचे हम सर्च मारेंगे, खुल के आ जाएगा, देख लीजिए नीचे हम खुल के आ गया, शशिभूषण प्रसाद सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार, पेंडिंग स्टेटस अभी लिखा हुआ है, चलिए इसको व्यू करते हैं, आपके सामने में पूरे इसका डिटेल्स खुल के आ जाएगा, देख लीजिए डायरी नंबर 8824/2023 शशिभूषण प्रसाद सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार, सब कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए प्रेजेंट स्टेटस यहाँ पर आपको दिख रहा है 14/5/2024, ठीक है, कितना दिख रहा है 14/5/2024, और यहाँ पर देख लीजिए नीचे देखिए कंप्यूटर जनरेटेड आपको दे दिया है 6/8/2024, देख लीजिए कब सुनवाई होगी, 6 अगस्त को सुनवाई होगी, देख लीजिए इससे पहले 13 अगस्त दिया गया था, अब कितना है 6 अगस्त आपको दिया गया है, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 6 अगस्त की आपको सुनवाई होगी। अब बात कर लेते हैं आगे, जो भी है इसमें आप देख सकते हैं पूरे डिक्लेयर दिया गया है, आप चेक कर भी सकते हैं, आप खुद चेक देखिए, चेक करके हम इसलिए आपको दिखाते हैं जो खुद आप चेक करके निकाल सकते हैं, और बार बार आप लोग कॉल और मैसेज करते हैं, बार बार आप लोग जो है कॉल और मैसेज करते हैं, आप खुद चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए हर चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगा, देख लीजिए 14/5/2024 आपको दिखा रहा है, हर चीज़ दिखा रहा है, नीचे देख लीजिए, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो देख लीजिए इसका सुनवाई डेट कब है, अगस्त में है, पहले 13 अगस्त का था, अभी थोड़ा सा समय कम हुआ है, देख लीजिए डेट भी थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर 13 अगस्त 2024 दिखा रहा था। अब बात करते हैं न्यू वैकेंसी कब आएगा, तो जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगा, जब तक ये केस क्लियर नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट स्टे हटाएगा नहीं, तब तक आपको बीटीएससी जेई की न्यू वैकेंसी बिहार में देखने को नहीं मिलेगी, और पिछले देख लीजिए एक साल से केस चल रही है, 2023 का ही केस है, 2024 आ चुकी है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट हो रहा है, क्या सर बीटीएससी एनएम 10/709 का भी ऐसा ही केस चलेगा, तो इतना उसका नहीं चलेगा, क्योंकि उसका एक से दो हेयरिंग जाते जाते केस समाप्त हो जाएगी, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, नहीं आपको परेशान होना है। तो चलिए ये हम आपको जानकारी दे दिए, न्यू वैकेंसी अभी नहीं आएगी, अदर विभाग में आएगी, बीटीएससी जेई न्यू वैकेंसी नहीं देगी, बट अदर विभाग में आपको आएगी, जैसे पंचायती राज विभाग में अभी आ रही है वैकेंसी, उसके बाद देखिए बिजली विभाग में वैकेंसी आई है, तो इस सब में आप भर सकते हैं, इस सब में आया हुआ है, बीटीएससी जेई का छोड़ के इस सब में आया, जूनियर इंजीनियर का आपका वैकेंसी आया है, सिविल और मैकेनिकल दोनों का आया है, बिजली विभाग में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पंचायती राज विभाग में भी अभी फॉर्म निकल के आ रही है, उसमें भी फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, बट बीटीएससी जेई का भी टाइम लगेगा, क्योंकि एक वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है तो दूसरा वैकेंसी अभी आपको नहीं देगा, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे लगाया हुआ है। तो चलिए आपके मन में जो भी डाउट था सारे डाउट क्लियर कर दिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे ही विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीटीएससी जेई के बारे में जो भी अपडेट आएगा, केस के बारे में, न्यू वैकेंसी के बारे में वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।